हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो टेंपल बंद था लेकिन पापा ने वो रिक्वेस्ट की वो लोगों को कि ओपन कर दे। What's up guys, welcome back to my channel once again। अभी जस्ट नहा लिया और फ्रेश हो गया, पापा ने कहा था रेडी होके बैठना संडे को, और अभी जस्ट मेरा वो वाला ब्लॉग आया चेरी का जॉब इंटरव्यू वाला, वो जो था एक 3-4 ब्लॉग पहले, वो देखो आप जाके। तो वो ब्लॉग अभी एंजॉय कर रहे सब, अभी जस्ट पोस्ट किया मैंने और सेकंड बार अपलोड को लगा दिया। और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या है आज चेरी? ब्रेड एंड चाय, ब्रेड बटर। तो खाते जरा ब्रेड, वाह। तो आपको आगे का क्या प्लान है बताता हूँ मैं नाश्ता करके। इतना अल्ट्रा लेवल लेट हो गए हम, क्या बताऊँ आपको, गाड़ी में चल के बताता हूँ। कुछ कारणवश मुझे वापस ऊपर जाना पड़ा क्योंकि आज पापा कार चला रहे और मेरे सनग्लासेस रह गए थे इसलिए। क्या बात है, लेकिन आज मैं थोड़ा डाउन हूँ क्योंकि आज मेरा थोड़ा मूड खराब है, थोड़ा होता है कभी कभी। नहीं क्या 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 वजह, क्या मूड खराब होने की वजह? नहीं बस मैं कंटिन्यू वीकली वर्किंग करो, संडे को वर्किंग जाके मैं फ्रेश है। पापा अभी जस्ट 7:15 ऑफिस गए ले अभी के, नाउ यू आर बोल रहे कि मैं टायर्ड हूँ, मैं डिसअपॉइंट हूँ। टायर्ड नहीं, मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, बट अभी ठीक हो जाएगा क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट हो गया, क्योंकि काफी लेट हो चुके हम जहाँ पे पहुंचने और ये धूप की वजह से भी थोड़ा तो अभी निकल रहे हम। अभी कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली बताओ तो सही। अभी फर्स्ट तो जा रहे, देखो तुम्हारी मम्मी ने बोला कि वहाँ चलो बेटवाड़ी के दत्त महाराज, एक है टेम्पल है। एक्चुअली मैं मम्मी का बता दूँ, मम्मी ने एक्चुअली एक ऐसा पोथी ग्रंथ टाइप होता है वो लगाया हुआ था, जो उसकी समाप्ति हो गई तो सोचा यहाँ पे एक है बहुत पावरफुल टेम्पल है वहाँ पे, 100 ईयर ओल्ड मंदिर है, फ्रीक 100 ईयर ओल्ड मीन्स मेरे दादाजी जब पैदा हुए रहेंगे तब की बात है वो। तो एनीवेज बात चलते, आपको बताते टाइम ऑलरेडी लेट हो गया, मुझे तो डर लग रहा है कि बंद ना हो। लेकिन अभी सबसे पहले योगेश के घर पे जा रहे हैं, वहाँ से उनकी भी फैमिली आ रही है मीन्स सोनू भाई वगैरह, तो उनकी कार में चलूंगा, ये जो पापा की कार है पापा चलाएंगे। काफी कंफ्यूजन है, काफी हेक्टिक है, इसलिए मेरा मूड खराब था शायद। अरे यार ये हड़प से ट्रैफिक का क्या करे। अरे पर तू इतना मेडिटेशन करता कर क्या? राइट, करेक्ट क्वेश्चन है व्हाई। सुन ना, तू बोलता मैं मेडिटेशन करता, मैं बहुत योगी हूँ, मैं हूँ ऐसा हूँ, फिर इतने जल्दी मेडिटेशन करने वाले का दिमाग नहीं खराब होता, मूड खराब नहीं होता, समझे? नहीं अभी अभी हम आपको एकदम नेचुरल दिखाने वाले हैं, मींस क्या कि चेरी ने रिकॉर्ड भी किया ले, बट मैंने डिलीट कर दिया वो, चेरी पे मैं गुस्सा था एक्चुअली। देखो जो मेडिटेशन करता ना वो साधु संत के जैसा बिहेवियर करता, समझ में आया ना? मेरी रोस्टिंग चालू हो गई। तुम ये इतना मेडिटेशन करते, हम तो विदाउट मेडिटेशन के साधु संत है। आप शॉप के अंदर नहीं बाहर रुके? बाहर क्यों रुके? अरे समोसा आपके आए फ्रेश। क्या बात है, क्या बात है, वो अनलोडिंग चालू उनका, समोसा बहुत कुछ फ्रेश दिख रहा, क्या बात। सभी को पता है हम दौड़ जाते टाइम कभी भी कुछ ना कुछ लेते हैं चीजें, जैसे पापा गए लेने एक्चुअली मुझे भेज रहे थे, पापा भी पता है भाग क्या अच्छा मिलता है क्या नहीं, तो छोटे वाले समोसे लेने गए। तब तक मैं स्विच कर लेता हूँ, मैं चला दो, पापा बहुत स्लो चला रहे, मैं जल्दी से पहुंचा दूंगा, तो पापा अभी तक वेट करते जरा। अभी ये लोग बैठ रहे हैं वो कार में, हम लोग योगेश की कार में, योगेश तेरे को मिस कर रहे हैं हम। अभी हम एंटर कर चुके हैं एक देवस्थान में, और आपको मैं बताता हूँ आगे काफी अच्छा व्यू है, मींस व्यू नहीं, यहाँ पे काफी शांति महसूस होती है। मैं पहुंचने के पहले मुझे शांति महसूस होने लग चुकी है, और ये वो टेंपल है, काफी सुंदर टेंपल है। पापा भी सब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो टेंपल बंद था लेकिन पापा ने वो रिक्वेस्ट की वो लोगों को कि ओपन कर दे, सो ओपन कर दिया है अभी अपने लिए। जल्दी चलो, बंद कर दिया टेंपल, खोला अपने लिए। अंदर शूट करने नहीं दिया हमको, आपको बता दो। हमारे साथ क्या हुआ, हम थोड़ा लेट आ गए, 12 बजे क्या 1 बजे बंद हो, 12 बजे बंद हो जाता है। तो ये एक्चुअल टेम्पल है, और वह भी एक एक्चुअल टेम्पल है जिसमें दत्त महाराज जी की प्रतिमा है, मूर्ति है। तो एक्चुअली स्टोरी क्या है मुझे इतना कुछ पता नहीं है, मम्मी और पापा को ज़्यादा पता होता है, तो पापा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। एक्चुअली 1800 शतक की बात में है ये जो नारायण 1800 ये जो पीछे ये जो महल दिख रहा है जैसा दिख रहा है मंदिर, वो महाराज जो नारायण महाराज यहाँ के प्रसिद्ध है जिन्होंने ये सब बनाया हुआ है तक आगे, उनको उन्होंने ये सब साफ सफाई करके दत्त की बहुत पूजा की, तो दत्त महाराज उनको प्रसन्न हो गए। ओके मींस मेडिटेशन वगैरह की, मेडिटेशन करके उन्होंने दत्त का जाप भी किया, तो दत्त महाराज श्री दत्त गुरुदेव उनको प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको प्रचिति दी, तो उन्होंने ये सब उनके नाम पे
ये पूरा मंदिर बांधा है यहाँ से, वो बड़ा मंदिर वो आगे बांधा हुआ है। यस, यहाँ पर वो महाराज जो थे नारायण महाराज, उनकी समाधि है, उनका रहने का घर है, उनका झोपड़ा, बैठने की कुर्सी, एवरीथिंग, खाना पीना। अपन यहाँ पर उन्होंने 1933 में दिसंबर में 1108 सत्यनारायण महाराज की पूजा की थी। कि बाप रे, ये सब गरीब गोर गरीब लोग रह गए, उनको खाने के लिए वो एक बना। लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, मींस आपको ऐसे तो फील हो रहा है? हाँ। वाई भी आगे बहुत अच्छी है। 1108 सत्यनारायण पूजा हुई तो कितनी पवित्र जगह है ये। हाँ। क्या तो अभी भी यहाँ की ऐसी एक सत्यनारायण की पूजा अगर करते है ना, तो उसका तुम्हारे को 1000 सत्यनारायण की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। ये स्पॉट पे 1108 ये स्पॉट पे वाओ, क्रेजी क्रेजी। तो अभी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी हो गई और धूप में खड़े रहने के चलो अभी चलते चलते अभी थोड़ा बहुत फोटो खींचते हैं। और ये सब जो आजू बाजू आपको ये जो घर दिख रहे ना, मीन्स धर्मशाला है, यहाँ पे आके आप रह सकते हो। ये भी मेरे पीछे देखो, काफी हॉन्टेड ये लग रहा है। जो लोग करते हैं ना, अगर ये परिसर में आके पारायण करेंगे ना, तो मतलब दा इफेक्टिव रहता, तो बहुत से लोग इधर धर्मशाला में अच्छा यहाँ के सब पूजा वगैरह करते। तो चलते अभी सीधा डाउन निकलते। और मम्मी को प्रसाद भी मिल गया। कैसे मिला प्रसाद आपको? प्रसाद जो श्रीपाद वल्लभ जी कुछ इसका ही प्रसाद लगता, कल मैंने बनाया था। हाँ, है ना, आज वो यहाँ दरबार में मिल गया उनके। वाओ, रहने दो ये मैं खा लूंगी। नहीं, सबको भी रखने का, मेरे के लिए भी, मैं भी लेके जाऊंगा। सबको प्रसाद आना मांगता है। मेरे को धराय शिव गंगा धराय, हर हर बोले नमः शिवाय। तो भी हम यहाँ पे के पेड़े के पास रुके। यहाँ पे क्या कर रहे हैं चेरी अपन? रुक के लस्सी पी रहे हैं। लस्सी ले रहा हूँ, काफी धूप है और यहाँ की फेमस लस्सी है, तो यहाँ से तीनों के लिए लस्सी लेते तीनों ना। वैसे कार में पीना है तो वैसे उसी हिसाब से। लस्सी की एक स्पेशलिटी है, इस पे कलाकंद डालकर देते, काफी मस्त लगती है वो। इधर क्या आपके पास? इधर डालते है, मस्त लगता है ये। भैया पूछ रहे किधर डालते, बोला आप ही के पास डालते। काफी टेम्पटिंग लग रही है लस्सी, चिल्ड है एकदम, मजा आने वाली। अभी कलाकंद डाली इसलिए अच्छा लग रहा है। मस्त लग रही, मस्त है। कहाँ पे पहुंच चुके? दौड़ पहुंच चुके, अभी जाते खाना खाते दबा के कुछ। तो भी कौन से पेट में डालेगा, बड़ा लस्सी पिया उसने तो क्या। हमको आकर एक्चुअली काफी देर हो गए, 3-4 5 घंटे हो गए, और मैं ऐसे सोया, इतना थक गया था। कार चला के भी थकते, देखो थक गया था, तो ऐसे सोया कि अभी उठाओ, अभी उदय के साथ जा रहा हूँ मैं। किधर ले जा रहे थे उदय मुझे? मटका लाने। मटका लाने या मटका खेलने? अबे मटका लाने। मटका लाने जा रहे हो मीन्स अभी तो मटका लाने जा रहे ठंडे पानी के लिए। मेरे लिए नहीं, योगेश की फैमिली के लिए। हम मटके का पानी नहीं पीते, हम वो जो तांबे का होता है ना, तांबे का ऐसा चमकीला होता है, उसका ही पीते, कुछ भी हो। जैसे कि आज संडे है तो काफी खतरनाक वाला मार्केट लगा हुआ है इधर, काफी भीड़ है। और यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, चिक्स होते हैं ना, जो हेन के बच्चे होते हैं, वो देखे मैंने। उदय को बोला ले लेते हैं, मीन ज्यादा टाइम बहुत अच्छे लगे ब्लॉग में, छोटे छोटे बच्चे। बट वो बोला मत ले, क्योंकि अगर उसको लेके हमने छोड़ भी दिया तो कुत्ते बिल्ली डॉग्स वगैरह उसको खा लेंगे, दैट्स व्हाई वो नहीं ले रहे हम। अब ये ऐसा मटका लेने आए हम यहाँ पे। ये चूजो की बात कर रहे थे हम, कितने क्यूट लग रहे हैं। कितनी लगा था? 15 लाख फक्त, 100 के साथ। क्या करने का? 15 को एक चूजा, क्या बात है। सिर पे रख के ले जा, जा चलना है सर, चलना है सर, ऊपर देख। एक्चुअली मैं डाउन क्यों आया था, मीन्स उदय की जो मम्मी मेरी भाभी जो है सुरेखा, वो बारिश हुई थी ना, वहाँ फिसल कर गिर गई। ऑटोग्राफ देके जाते हैं। घर पे कब जाने का? चलो ना अभी निकलो ना, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। तुम्हारे घर ले जा रहे ना? हाँ क्या, मैंने चलो अभी जाएंगे। इसका ये एड़ा बना रहे हैं, चलो निकलो। शोरमा खाने, तंदूरी वगैरह देखते क्या। हमने सोचा था अभी रात को निकले, लेकिन भाभी कुछ जाने नहीं दे रही। भाभी जा रही है, भाभी कल पार्टी दे रही है, तो कल वेज पार्टी, कल सोमवार है, सो वेज पार्टी ही मिलेगी। सो इसी नोट पे अभी यहाँ रुकते थोड़ा, फिर कल थोड़ा बहुत देखते निकलते 12-1 बजे। आज सुबह की शुरुआत शेरू के साथ हो रही है, बहुत डर लग रहा है मेरे को, बट ठीक है। ए बाबा, तो ये 800 को पूरा पड़ा, एक मीन्स 800 800। सही, अभी हम निकल रहे यहाँ से, बाय बापू जी, निकलते।
बाय। बापूजी इतने कूल हो गए ना आजकल, मीन्स उदय को बोल रहे थे कि तेरी कोई है बाहर गर्लफ्रेंड वगैरह तो शादी वगैरह कर ले, है क्या नहीं? तेरे को बोले, तेरे को बोले थे, याद है क्या? तो मीन्स इतने कूल हो गए, मीन्स ही जस्ट वांट टू सी मैरिजेस, हमारे शादी उनके आंखों के सामने। तो लेकिन क्या करें, हमारी कोई है ही नहीं गर्लफ्रेंड वगैरह, क्या करें, निकलते फिलहाल लेट हो चुका है काफ़ी। ही इज ट्राइंग टू पुश द हॉर्न। हाँ वाजला वाजला जोरा, वेरी गुड वेरी गुड। भाऊ चालले मग या नाहीला, उसको नहीं जाना है, उतर रही नहीं वो। अरे भाऊ चालले भाऊ, आपण जाऊ मग तुझी मम्मी पप्पा इकडे दे, पप्पा चालले मग तुझे, पप्पा चाललं बघ कुठं भूर जाऊ दे म्हण, जाऊ दे पप्पा। वी बॉयज ओनली वॉन्ट कार्स, गर्ल्स नो नो नो, गर्ल्स ओनली कार्स, दॅट्स इट। अरे बारके ते त्याच्यापेक्षा मोठे आणो ना, मोठी गाडी जाऊ चला पण ही गर्ल्स के पास जाते बॉयज, गाडी का भर नाही, गर्ल्स के पास ही जाते बॉयज, निकलते अभी। कल आते वक्त भी यहीं से लस्सी पी रहा था, तो जाते वक्त भी यहीं से लस्सी पी रहा हूँ। काफ़ी धूप है क्योंकि सेम टाइम पे निकल रहे हैं हम, वो लोग सब रुके, मैं और रूपाली अभी पी रहे, बाकी किसी को पीनी नहीं थी, पता नहीं क्यों। 36 डिग्री आउट देयर, हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट लोनी। जो हालत ख़राब हुई है ये 60 किलो के आदमी को लाने के लिए, वाट लग गई अभी, एक और ऐसी लाते लाते पूरा ये खुल ही गया, अभी ये लोग भर रहे हैं दोनों मिलकर, क्या चेहरी। और हम दोनों भाई बहन लोनी से अभी हड़पसर जा रहे हैं, क्योंकि ये सामान था, और रिक्शा यहाँ पे ओला कैब ज़्यादा आते नहीं है, सो दैट्स वाई रिक्शा ही मिलती है यहाँ पे। सो अभी चलते घर पर, हैपनिंग करते, डू व्हाट यू वांट टू डू, मैं जस्ट वाइप करते रहो, नो ट्रबल योर मदर। हाँ मेरे मदर को तो हम मिस कर रहे, मुझे वापस सुबह आ गए थे ना, इसलिए हम अभी पहुँच रहे, 4 बजने वाले। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।